नमस्कार। तो आज हम PMS दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि PMS और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर वो पैसा उस म्यूचुअल फंड स्कीम के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आप 1 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके 1 लाख रुपये को म्यूचुअल फंड सेपरेटली मैनेज नहीं करते हैं। सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उनका पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। वही PMS में आपका पोर्टफोलियो अलग से मैनेज किया जाता है। तो अगर आप PMS में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे सेपरेटली मैनेज किए जाते हैं, यानी आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार मैनेज किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। वही PMS में आपको मिनिमम 25 लाख रुपये इन्वेस्ट करने होते हैं। जब आप PMS में इन्वेस्ट करते हो तो PMS प्रोवाइड करने वाली कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं और उसके अनुसार इन्वेस्ट करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स मिलते हैं। वही PMS में पोर्टफोलियो मैनेजर सीधे आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। जब आप PMS में इन्वेस्ट करते हो तो PMS आपका एक सेपरेट डीमैट अकाउंट खोलते हैं। वो डीमैट अकाउंट आप ही के नाम पर होता है पर उसे वो PMS मैनेज करता है। दो टाइप्स के PMS होते हैं, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी PMS में शेयर्स बाय या सेल करते वक्त PMS को आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। वही नॉन डिस्क्रिशनरी PMS में शेयर्स बाय या सेल करते वक्त PMS को आपसे परमिशन लेनी होती है। इंडिया में ज़्यादातर PMS डिस्क्रिशनरी PMS है। सेबी रूल्स के अनुसार पोर्टफोलियो मैनेजर को हर 6 महीने में क्लाइंट्स को परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी होती है। यूजुअली पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलर बेसिस पर क्लाइंट्स को परफॉर्मेंस रिपोर्ट देते हैं। PMS की कमीशन म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होती है। कुछ PMS एंट्री लोड चार्ज करते हैं, यानी जब आप PMS में इन्वेस्ट करते हो तो आपको शुरुआत में ही एक फीस पे करनी होती है जिसे एंट्री लोड कहते हैं। म्यूचुअल फंड में एंट्री लोड नहीं होता है। सेबी ने म्यूचुअल फंड के एंट्री लोड को 2009 में ही बैन कर दिया है। PMS प्रोवाइडर्स मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं जो कि यूजुअली 2.5% होती है। कुछ PMS प्रॉफिट शेयरिंग भी लेते हैं, यानी अगर क्लाइंट के पोर्टफोलियो का एनुअल प्रॉफिट किसी स्पेसिफिक परसेंटेज से ऊपर जाता है तो कुछ PMS प्रोवाइडर्स उस प्रॉफिट का कुछ शेयर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फेमस इन्वेस्टर मिस्टर पोरिंजो विलियत के PMS में अगर क्लाइंट का एनुअल रिटर्न 10% से ऊपर जाता है तो वो उसका 10% शेयर लेते हैं। तो अगर आपको उनके PMS में 30% रिटर्न मिलता है तो 10% के ऊपर आपको जो ये 20% रिटर्न मिला है उसका 10% शेयर आपको उनके साथ शेयर करना होता है। वैसे अलग अलग PMS प्रोवाइडर्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं। म्यूचुअल फंड के मुकाबले PMS की फीस ज़्यादा होती है, इसलिए PMS चुनते वक्त आपको ऐसे PMS में इन्वेस्ट करना चाहिए जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। अगर आपको PMS के इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 8055-835-835 या 9049-641-491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पर शेयर करिए। अगर आप finovations.com पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और finovations.com की फैमिली में शामिल हो जाइए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें Facebook और Twitter पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।